फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव में गर्मी का माहौल, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय यादव का जोरदार जनसंपर्क फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा में देखने को मिला। वहीं इसी दौरान स्थानीय लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को जिताने की सभी से अपील की। वहीं अक्षय यादव ने मीडिया से रूबरू होकर भाजपा पर तीखी हमलेबाजी की। समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में चुनाव जीतेगी, और फिरोजाबाद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने का काम। क्या मोदी जी का जुमला इस बार 200-400 पार? देखिए, बीजेपी इस समय डरी हुई है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था, वो 400 पार की बात करने लग गए। और जो हम लोगों ने नारा दिया है कि 80 हराओ और भाजपा हटाओ, वो सत्य होने वाला है। क्या लगता है कि किसको उतारने की कोशिश कर रही है बीजेपी द्वारा? बीजेपी के पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, वो कैंडिडेट ढूंढने में लगी है, जब मिल जाएगा वो लड़ा देंगे। क्या सीट जब्त होगी इस बार यहाँ पर? बिल्कुल, उनकी जमानत जब्त होगी, फिरोजाबाद की जनता ने इस पर मन बना। अच्छा, अक्षय यादव की तरफ से फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? देखिए, जब हम सांसद थे तो हजारों करोड़ की योजनाएं फिरोजाबाद में हम लोगों ने लागू करवाने का काम करा। जहां आज टूंडला विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, सबसे ज़्यादा जनेश्वर मिश्रा गाँव और उत्तर प्रदेश में हुए तो टूंडला के अंदर हुए। लेकिन जब से भाजपा आई, वो विकास का काम वहीं रुक गया था, उस विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।